ज्वालामुखी उपमंडल के कुमर के कुलदीप की बच्चों की पढ़ाई के वास्ते मोबाइल खरीदने के लिए गाय बेचने की खबर का विधायक के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। स्थानीय विधायक धवाला द्वारा कुलदीप के घर जाकर उन्हें मदद के आश्वासन के बाद स्थानीय प्रशासन ने कुलदीप की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। मंगलवार को एसडीएम ज्वालामुखी के निर्देश पर तहसीलदार जगदीश शर्मा व सुप्रिटेंडेंट राजन शर्मा, पंचायत प्रधान रामलोक धनोटिया, पूर्व प्रधान आदि कुलदीप को गाय वापस दिलवाने के लिए पहुंचे, लेकिन कुलदीप ने ये कहकर गाय लेने से मना कर दिया कि उसे गाय की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास गाय को रखने के लिए जगह नहीं है। कुलदीप ने प्रशासन के दल को बताया कि उसे मकान चाहिए। ये भी पाया गया कि कुलदीप की माली हालत ठीक नहीं है और उन्हें अभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। मौके पर पहुंची टीम को बताया गया कि कुलदीप के बच्चे सुकाबाग के अल्पाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल की लगभग 5,000 सालाना की फीस है, जबकि 4,000 की किताबें भी खरीदी गई है। गांव के प्रधान ने बताया कि उक्त कुलदीप कुमार को पात्रता के आधार पर बीपीएल में डाला जाएगा। कुलदीप के मकान व गौशाला की हालत खराब है और कुलदीप का नाम आवास योजना के तहत प्रधान द्वारा दस्तावेजों में प्रस्तावित किया गया है। पंचायत प्रधान रामलोक धनोटिया ने इस पर संक्षेप में बताया कि एसडीएम के निर्देशों पर तहसीलदार व अन्य कुलदीप को गाय देने के लिए आए थे पर उन्होंने गाय लेने से मना कर दिया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया। कुलदीप के पास और भी पशु हैं और गाय को रखने के लिए जगह नहीं है। कुलदीप का पुश्तैनी मकान है, एक कमरे में भाई रहता है जो कि बीपीएल में है और एक कमरे में माता रहती है। वहीं पूर्व प्रधान ने कहा कि आईआरडीपी में पात्र लोगों के नाम नहीं जोड़े गए हैं, जबकि कुलदीप को जोड़ना चाहिए था, उनकी माली हालत खराब है। सर, जो आप आज गुम्बर में एक्सपीशन करने आए हैं, इसके बारे में बताइए सर जरा। एक न्यूज सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था कि गुम्बर के कुलदीप नाम के व्यक्ति को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपनी गाय बेचकर स्मार्टफोन खरीदना पड़ा, तो उस सिलसिले में हम इंक्वायरी के लिए आए थे। तो प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया गया कि मोबाइल फोन लगभग 3 महीने पहले खरीदा गया था और उस मोबाइल की कीमत लगभग 4,000 और 5,000 रुपये के बीच में है, जबकि गाय को अभी कुछ ही दिन 2-4 दिन पहले बेचा गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि सर ये कि स्कूल, इसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर अल्पाइन पब्लिक स्कूल है ये, इसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो थोड़ा फीस का भी हमने जांच पड़ताल की तो फीस के लिए भी इनके लगभग 4,000 से ज्यादा रुपए इन्होंने दिए हैं और किताबों का बिल भी लगभग 5,000 के लगभग है और परिवार की माली हालत खराब लग रही है। अच्छा सर, ये प्रधान साहब ने जो इनको क्वेश्चन किए, मैं प्रधानमंत्री योजना में है सर? हाँ, प्रधान जी से पूछा गया क्योंकि इनके मकान की हालत काफी खराब है, मकान की भी और पशुशाला की भी। तो प्रधान जी ने बताया कि इनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हुआ है और उसके संबंधित उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए। और कुलदीप जी की दूसरी ग्रीवेंस ये है कि उनका नाम बीपीएल में शामिल किया जाए। तो प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि पात्रता के अनुसार जल्दी ही इनका नाम बीपीएल में डाल दिया जाएगा। सर, आज जो गाय वापस करने के लिए आए थे, तो अभी क्या क्या बोला इन्होंने सर? हाँ, हमने इनको ये पूछा कि आपको गाय वापस चाहिए, तो इनका जवाब था कि नहीं, क्योंकि उनके पास जगह की वैसे ही कमी है और भी पशु काफी है इनके पास, तो उसको लिए उन्होंने मना किया। जो प्रशासन तहसीलदार महोदय और एसडीएम के आदेश के अनुसार सुप्रिटेंडेंट साहब यहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ से प्रशासन के आदेश है कि इस तो आदमी को गाय जो वापस दिलाई जाए, तो इसने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि मैं गाय नहीं रख सकता हूँ। प्रशासन ने हर प्रयास किया पर इसने बिल्कुल ही मना कर दिया। इसके पास पहले से ही बहुत सारे पशु हैं और इसके पास बांधने के लिए वैसे भी जगह नहीं है। और इनका पुश्तैनी जो पुराना मकान है उसके 2 कमरे हैं, एक में इसका भाई रहता है, वो भी बीपीएल में है, और एक कमरे में ये रह सकता है, पर इसके बावजूद भी ये जो पशुशाला में रह रहा है। अब ये हमारी समझ से परे है। अच्छा, गाय देने वास्ते बोले तो वहाँ क्या बोले? मेरे पास 2 गाय हैं, इसलिए मुझे गाय की इतनी जोर नहीं। आपके कितने बच्चे हैं जी? हमारे 2 बच्चे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? अल्पाइन स्कूल सुखाबाग में। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से रीना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।